प्यारे बच्चों, आज पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था सैनिकों के बारे में कि जो सैनिक है वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमारे जो वीर सैनिक है वो हमारे देश की रक्षा करते हैं और वीर सैनिकों को जो वीर सैनिकों की मदद ध्यान कौन रखता है? वीर सैनिकों का ध्यान हमारी सरकार रखती है, तो हमें वीर सैनिकों पर गर्व होना चाहिए। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ करते हैं। मनुष्य, मनुष्य मतलब इंसान, मनुष्य का मतलब होता है इंसान। कठिन, मुश्किल, कठिन का मतलब मुश्किल। परिश्रम, मेहनत, परिश्रम का मतलब मेहनत। दैनिक, प्रतिदिन, दैनिक का मतलब प्रतिदिन। बेर, दुश्मनी, बेर का मतलब क्या होता है? दुश्मनी। वन, जंगल, वन का मतलब जंगल। सदैव, हमेशा, सदैव हमेशा। थेला, बस्ता, थेला क्या होता है? बस्ता। शत्रु, दुश्मन। गर्व, गर्व का मतलब अभिमान। गर्व, अभिमान या घमंड। आदर, सम्मान, आदर होता है सम्मान। तो ये जो शब्द थे ये आपका होमवर्क है, इन्हें आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। अब हम चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। तो हमारा पहला अभ्यास कार्य है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, पहला है कि सैनिकों का ध्यान कौन रखता है? तो सैनिकों का ध्यान हमारी सरकार रखती है। तो हम उत्तर नंबर एक लिखेंगे। उत्तर ए, सैनिकों का ध्यान कौन रखता है? सैनिकों का ध्यान, सैनिकों का ध्यान सरकार रखती है, सरकार रखती है। सैनिकों का ध्यान कौन रखता है? सैनिकों का ध्यान सरकार रखती है। अब नंबर दो है, सैनिक क्या करते हैं? तो उत्तर नंबर दो, सैनिक, सैनिक क्या करते हैं? सैनिक देश की रक्षा के लिए, सैनिक देश की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने, सैनिक क्या करते हैं? सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं। देश की रक्षा के लिए सैनिक क्या करते हैं? सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने अपने रक्षा के लिए अपने प्राण भी दे देते हैं। अपने प्राण भी, प्राण भी दे देते हैं। रक्षा के लिए अपने प्राण भी दे देते हैं और उनको लड़ने मरने के लिए दे देते हैं। अब आगे है नंबर तीन, अजय मोहसिना ने पिताजी से किसके बारे में पूछा? तो अजय मोहसिना ने पिताजी से वीर सैनिकों के बारे में पूछा। तो उत्तर लिखेंगे, उत्तर नंबर तीन, उत्तर नंबर तीन, अजय मोर, अजी मोरसन्ना ने, सन्ना ने पिताजी से वीर सैनिक, पिताजी से वीर सैनिक ने पिताजी से वीर सैनिकों के बारे में, सैनिकों के बारे में पूछा, बारे में पूछा। आगे है नंबर चार, वार्तालाप किस किसके बीच हुई? तो बच्चों उत्तर नंबर चार है, वार्तालाप, वार्तालाप मतलब होता है बातचीत। बातचीत किस किसके बीच में होती? तो वार्तालाप पिताजी, सना और, पिताजी सन्ना और अजीम के, पिताजी सन्ना और अजीम के बीच में हुई, अजीम के बीच, पिताजी सन्ना अजीम के बीच हुई। इस तरीके से हमारे जो चारों के प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। अब आगे देखिए किसने कहा? तो पहला है किसने कहा था, तो देखिए सैनिक शत्रु से कब लड़ते हैं, ये बात किसने कही थी? सैनिक शत्रु से कब लड़ते हैं, ये बात जसना ने
पूछी थी किसे, अपने पिताजी से पूछी थी कि पिताजी सैनिक शत्रु से कब लड़ते हैं, हम लिखेंगे सन्ना ने, सन्ना ने। दूसरा है वे किसी से बैर नहीं रखते, तो वे किसी से बैर नहीं रखते, किसने कहा, पिताजी ने, ये किसने कहा था, पिताजी ने। पिताजी कहते हैं कि वो किसी से भी बैर नहीं रखते हैं, पिताजी ने। अब आगे है नंबर तीन, पिताजी सैनिक कौन होते हैं, तो पिताजी सैनिक कौन होते हैं, ये किसने पूछा था, ये अजीम ने पूछा था, पिताजी सैनिक कौन होते हैं, अजीम ने, अजीम ने, पिताजी सैनिक कौन होते हैं, किसने पूछा था, अजीम ने, अजीम ने। अब आगे है कि ग, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों पहला है कि सैनिक देश की रक्षा के लिए देश भी दे देते हैं, क्या दे देते हैं, प्राण या सम्मान, तो आप बताइए क्या दे देते हैं, प्राण। तो सैनिक देश की रक्षा के लिए क्या कर देते हैं, प्राण दे देते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, प्राण, सैनिक देश की रक्षा के लिए प्राण दे देते हैं। नंबर दो, देश कठिन परिश्रम करते हैं, कौन कठिन परिश्रम करते हैं, सैनिक या नेता, तो सैनिक आएगा, सैनिक कठिन परिश्रम करते हैं। अब आगे है नंबर तीन, सारा देश वीर सैनिकों पर देश करता है, क्या करता है, गर्व करता है, शर्म करता है, तो गर्व करता है, सारा देश वीर सैनिकों पर गर्व करता है। आगे है नंबर चार, सैनिक देश में अपना सामान रखते हैं, किसमें रखते हैं, जूते में या थैले में, तो सैनिक कहाँ अपना सामान रखते हैं, थैले में, तो हम आंसर लिखेंगे थैले, थैले में अपना सामान रखते हैं। अब आगे है व्याकरण एवं भाषा बोध, क्या है बच्चों, व्याकरण एवं भाषा बोध। तो देखिए पहला है क, कि ऐ की मात्रा, ऐ की मात्रा कैसे लगाते हैं, सिर्फ दो मात्रा को किसकी मात्रा बोलते हैं, ऐ की मात्रा वाले शब्दों पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों पहला है केसर, तो इसमें है ए की मात्रा, ये कौन सी मात्रा है, ये ए की मात्रा है, तो ये केसर ये हमारा रॉन्ग है। हैदर, ह ऐदर, तो देखिए ये ऐ की मात्रा है, तो ये हमारा सही है। सैनिक, तो सैनिक भी हमारा सही है। आगे जूते, तो ये हमारा गलत है। थैला, तो थैला भी सही है, क्योंकि इसमें ये देखिए दो मात्रा लगी हुई है, इसलिए ये ऐ की मात्रा है। खेल, ये भी नहीं होगा। पैदल, तो पैदल भी हमारा सही है। देश, ये भी रॉन्ग है। सदैव, तो सदैव भी हमारा सही है। इस तरीके से ये ऐ की मात्रा है। अब आगे चलते हैं, आगे है कि निम्नलिखित शब्दों को लिखिए। देखिए मीना, तैयार, दैनिक और पैसा, ये आपको अपनी बुक जो आपके पास किताब है, पुस्तक है, उसमें आपको ये चार चार बार लिखने हैं। जैसे कि महीना है, तो महीना को आपको यहाँ पर चार बार लिखना है, महीना महीना। सुंदर सुंदर सफाई से लिखना है आपको महीना। तो ये बच्चों ये सब आपका ये वाला ये वाला ये वाला आपका होमवर्क है, इसको आपको किसमें करना है, होमवर्क अपनी किताब में करना है। आगे है ग, पढ़िए और समझिए, ये आधा क्षय है, तो मनुष्य, भविष्य और भाष्य, भय, सभ्य, लभ्य और अभ्यास, ये आपको पढ़ना है और इसका अभ्यास करना है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो ये पाठ है ये पूरा होता है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें बच्चों वीर सैनिक के पाठ को पढ़ना है, बाद में इसके शब्द और प्रश्न उत्तरों को अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और इनको याद भी करना है। आप इनको ये साथ साथ में याद करते रहेंगे तो एग्जाम के समय में आपको परेशानी नहीं होगी। हम कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।